बस बहुत हो गया। तो फाइनली दोस्तों ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि इंडियन सिनेमा के बाहुबली प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्कि 2898 एडी को अब दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन सबसे बड़ी ओपनिंग लेने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म जिस स्पीड से बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है शायद ही दोस्तों आज तक आपने किसी फिल्म को इतने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म कल्कि 2898 एडी की अभी तक की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में। बात करेंगे दोस्तों कि इस फिल्म ने हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई से कितने करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में इस फिल्म की जो एडवांस वो कितनी हो चुकी है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या कमाल कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सुपरस्टार प्रभास के डाहट फैंस हैं, उनकी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है कल्कि 2898 एडी, जिसमें आपको विजुअल फ्रंट से और एक्शन फ्रंट से फिल्म काफी बड़ी नजर आ रही होगी। हॉलीवुड लेवल में दोस्तों आपने अभी तक जिस तरह का विजुअल्स देखे थे उसी तरह का दोस्तों विजुअल्स यहां पर कल्कि 2898 एडी के टीजर और ट्रेलर में हमें देखने को मिले हैं। प्रभास के लुक्स और उनका एक्शन फिल्म में गजब का होने वाला है। तो वहीं दोस्तों उनका साथ देने के लिए इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सर, दीपिका, कमल हसन और भी कई सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं। एक काफी बड़ी स्टार कास्ट के साथ दोस्तों कल्कि 2898 एडी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 27 जून यानी कि ठीक आज से 2 दिन बाद रिलीज होने जा रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों 2 दिन बाद रिलीज होने वाली इस फिल्म ने सिर्फ अपने रिलीज से पहले ही RRR, जवान, बाहुबली और KGF 2 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तो तोड़ा ही, साथ ही साथ दोस्तों एक सिटी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा रही और हैदराबाद में दोस्तों इस फिल्म ने 15 करोड़ रुपए की एडवांस सिर्फ एक सिंगल सिटी से ले ली है, जो कि एक तरह से एक नया रिकॉर्ड है। वहां दोस्तों अब तक सबसे ज्यादा एडवांस का रिकॉर्ड RRR मूवी के नाम था, जिसने की 12 करोड़ 80 लाख रुपए हैदराबाद में एडवांस से कमाए थे। लेकिन दोस्तों कल्कि 2898 एडी ने अब उस फिल्म का भी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है। वहीं अगर बात करें बैंगलोर के, तो दोस्तों बैंगलोर में भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी अच्छा एडवांस बुकिंग देखने को मिल रहा है। यह फिल्म दोस्तों बैंगलोर से भी अभी तक 4.5 से 5 करोड़ रुपए की एडवांस ले चुकी है। तो वहीं दोस्तों मुंबई में भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। सिर्फ 3 सिटीज को मिलाकर ही दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो 23 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल है। बताते चले दोस्तों आपको कि पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म की जो कहानी है वो महाभारत काल के समय से 2898 तक की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें फ्यूचरिस्टिक मिसाइल, गन्स और हर चीज देखने को मिलने वाली है। प्रभास के साथ साथ दोस्तों इस फिल्म में आपको दिशा पाटने की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस की जो दीवानगी है वो इससे भी कहीं ज्यादा है कि प्रभास की केमिस्ट्री दिशा के साथ है या फिर दीपिका के साथ। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म की अभी तक सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 दिनों में जो टोटल एडवांस बुकिंग है वो 29 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म के आज भी 10,000 से ज्यादा टिकट पर घंटे बिक रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों आज लगभग 35 से 38 करोड़ रुपए के एडवांस को टच करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म की जो एडवांस है वो 45 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है। सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म ने दोस्तों अपने रिलीज से पहले ही अभी तक टोटल 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हासिल कर ली है और ये एक नया रिकॉर्ड है, जो कि अब कल्कि 2898 एडी के नाम हो चुका है। इस फिल्म की रिलीज में दोस्तों अब भी 48 घंटों का समय बचा हुआ है और दोस्तों जिस स्पीड से ये फिल्म ओवरसीज में और इंडिया में एडवांस बुकिंग पिकअप पकड़ती हुई नजर आ रही है, ये फिल्म दोस्तों इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। दोस्तों बताते चले आपको कि हिंदी में इस फिल्म को टोटल 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है। इन 3500 स्क्रीन्स पर दोस्तों इस फिल्म की जो टोटल एडवांस बुकिंग है वो 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुकी है। उम्मीद है दोस्तों कि इस फिल्म के एडवांस में आज शाम से या फिर कल सुबह से हिंदी में पिकअप मिल जाए। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में फुल फ्लेज एडवांस आज शाम से शुरू कर देगी।
होगी और हो सकता है दोस्तों कि इस फिल्म की एडवांस ही हिंदी में 10 से 12 करोड़ रुपए की रहे। तेलुगु में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस है वो हिस्टोरिकल नोट पर चल रही है और इस फिल्म की जो तेलुगु में टोटल एडवांस है वो 23 करोड़ रुपए की अभी तक हो चुकी है। आज शाम तक दोस्तों इस फिल्म की एडवांस तेलुगु में 30 करोड़ रुपए की हो चुकी होगी। तमिल में दोस्तों इस फिल्म को थोड़ा कम रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों इस फिल्म की तमिल में जो एडवांस है वो 1,20,00,000 रुपए के ही आंकड़े को टच कर पाई है। लेकिन दोस्तों कन्नड़ा और मलयालम भाषा में इस फिल्म की जो एडवांस है वो काफी अच्छी हो रही है। ये फिल्म दोस्तों टोटल अभी तक 29 करोड़ रुपए की एडवांस आज 25 जून की सुबह तक कर चुकी है। शाम तक दोस्तों इस फिल्म की एडवांस लगभग 35 से 38 करोड़ या फिर 40 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर सकती है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की अगर टोटल की तो दोस्तों जिस स्पीड से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एडवांस ले रही है, ये फिल्म दोस्तों हैदराबाद में तो ऑलरेडी इंडियन सिनेमा की सभी फिल्मों को पीछे कर चुकी है। बेंगलोर में भी दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर तेलुगु सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग मिलने वाली है। तो वहीं दोस्तों हिंदी में इस फिल्म को लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग आसानी से मिलती हुई नजर आ रही है। ये फिल्म दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन नॉर्मली 220 से 230 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है और दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर लार बाहुबली 2, KGF और जवान पठान को पीछे करके बनने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कल के 2898 AD इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं और क्या ये फिल्म 2000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों कल के 2898 AD से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।